अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ एक और रेसिपी शेयर करने लगी हूँ फूडाहोलिक के पेज पे। आज की जो हमारी रेसिपी है गार्लिक पोटैटो वेजेस है, उसको मैंने 8 पोटैटोज लिए थे और उनको मैंने वेजेस में काट लिया है और उसको हमने बॉईल करना है सॉल्टेड वाटर में फॉर 5 मिनट्स। आफ्टर 5 मिनट्स जब आप डालेंगे, उसके बाद 5 मिनट्स के बाद आपने इसको निकाल लेना है बाहर। अब हम इसको निकालने के बाद इसको थोड़ा सा कूल डाउन होने देंगे और इसकी एक मैं बैटर बनाऊंगी। उसके लिए मैंने मैदा ले लिया है 1/2 कप। उसमें मैंने ऐड करना है रेड चिली फ्लेक्स, वो भी 1/2 टीस्पून। सॉल्ट डालेंगे 2 टेस्ट, मैंने 1/2 टीस्पून डाला है। ऑरिगेनो डालेंगे 1/4 टीस्पून और ब्लैक पेपर डालेंगे 1/4 टीस्पून और वाटर से इसका बैटर बना लेंगे। वाटर आपको इतना डालना है, ना ज़्यादा थिक हो बैटर ना ज़्यादा थिन हो। मैंने 1/2 कप के करीब मैंने मेरा हले डाला था, तो ये आपने ऐसा बैटर इसका बनाना है। फिर आपने इन पोटैटोस को इस बैटर में डिप करना है और फ्राई करना है। स्लो फ्लेम पे ये फ्राई होंगे, ज़्यादा हार्ड पे नहीं होंगे क्योंकि आलू अभी कच्चे हैं। फिर हम इसकी एक सॉस बनाएंगे। उसके लिए मैंने 3 प्याज, 2 टमाटर, थोड़ा सा गार्लिक और जिंजर ऐड करके हमने इसको क्रश कर लेना है। आप फाइन चॉप भी कर सकते हैं। फिर मैंने एक पैन में 1/4 कप ऑयल ले लिया है और उसमें मैंने ये टमाटर प्याज जो चॉप हैं उनको मैंने फ्राई करना है, इसमें सॉफ्ट करना है। जब ये कुक हो जाएंगे तो मैंने इसमें 1/2 कप टोमेटो केचप डाली है। फिर मैंने एक चिकन क्यूब ऐड की इसमें और फिर मैंने सोया सॉस डाला 1 टेबलस्पून, चिली सॉस डाला है वो भी 1 टेबलस्पून, विनेगर मैंने ऐड किया 1 टेबलस्पून और ये चिली गार्लिक सॉस है वो मैंने 2 टेबलस्पून ऐड किया और इसको मैं कुक करूँगी। और इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी कि मुझे सॉसी इसमें चाहिए। इसमें मैंने पानी डाल के और इसमें ये फ्राई पोटैटो वेजेस हैं वो आपने डाल देने हैं। और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।